जिसके खाने की दिक्कत हो, उसके पीड़ा हो, उसकी चर्चा हो, राजस्थान के विकास की चर्चा हो, और जिस प्रकार से पूरे देश में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार कोरोना के मामले में बहुत अच्छा कर रही है, जो अच्छे अच्छे फैसले किए हैं उनके ऊपर चर्चा हो, और उसमें कोई कमी खामी अगर विपक्ष बताए तो उसके ऊपर उसकी समस्या का समाधान हो। तो मैं समझता हूँ इसके लिए शांतिपूर्वक सदन चले और जनता के मुद्दों की यहाँ पर बड़े तरीके से बात हो, विपक्ष अपनी बात रखे, सत्ता पक्ष और सरकार अपनी बात रखे, इसके लिए हमने माननीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की। सर, कल विधायक ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, उसको सब एक सुर में आवाज उठाई, कहा कि जो पालित कहता है उसके अब दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो गए। अविनाश पांडे जी ने भी इसको लेकर कहा आप सीनियर लीडरशिप से आप इस मैटर पे बात नहीं करेंगे। कांग्रेस विधायक दल में हमेशा बोलने की स्वतंत्रता रहती है और हर जो मेंबर है वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है और वो अपनी बात कहता है। अल्टीमेटली आखिरी फैसला हमारे कांग्रेस हाईकमान करती है। मैं समझता हूँ सब चीजें आला कमान के संज्ञान में है, जो भी फैसले होंगे ठीक होंगे। अभी भी बातचीत चल रही है, कोई चर्चा चल रही है पहले से आपकी वापसी को लेकर? हमारी कोई चर्चा नहीं चल रही है। हम अब 14 तारीख को राजस्थान की विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं कि सत्र में हम जनता के मुद्दे रखें और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा हो। आप कोशिश कर रही है, कोई आपको लग रहा है उम्मीद है आएंगे या खत्म? अगर हमारी कोशिश होती तो वो जाते ही क्यों, वो अपने विवेक से गए हैं, इसलिए हमारी इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हो रही है। हम केवल और केवल राजस्थान की विधानसभा में जो सत्र आहूत किया गया है उस 14 तारीख के सत्र को लेकर के और उसमें क्या चर्चा, जनता के मुद्दों को किस प्रकार से हम चर्चा करके उनका समाधान करें और उनके लिए राजस्थान में जो जो भी पानी की, बिजली की, सड़क की, कोरोना की, जिस तरह की भी समस्या है उनके समाधान के लिए चर्चा। विधायक दल की बैठक 13 को होगी या 14 को होगी सर? विधायक दल की बैठक अभी तय की नहीं है, विधायक दल के नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, वो जब भी बुलाएंगे तो विधायक दल की बैठक। कोर्ट में कई पक्षकार बन रहे हैं, आप भी कई पक्षकार बन रहे हैं? निश्चित रूप से जब कांग्रेस में 7 जो बसपा के 6 जो माननीय सदस्य थे उन्होंने मर्ज कर लिया, वो आज कांग्रेस के सदस्य हैं, तो उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी जरूर पार्टी बनेगी जहां भी आवश्यकता होगी और पैर भी करेगी। एप्लीकेशन लगा दी है, खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, क्या ये अफवाह है या किसी तरह की? कोई बात नहीं है इस तरह की, बिल्कुल धोती अफवाह है, झूठी अफवाह है, किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, 5 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेगा और निश्चित रूप से आप मान के चलिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम करेंगे। सर, पायलट कैंप के लिए दरवाजे बंद हो गए कांग्रेस के लिए? अब मैं कह रहा हूँ हमारे तो दरवाजे खुले हुए थे, भग के गए, हमने थोड़ी कहा उनको जाने के लिए। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।